एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन इन ट्रायंगल एलिमेंट डैट डैट एस मीन्स वहाँ पे हमको भरना है सेगमेंट एल एक्स इज एन एल्टीट्यूड एंड सेगमेंट एल वाई इज अ मीडियन. तो हमको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना था. तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में आएगा सेगमेंट एल एक्स एंड सेकेंड में आएगा सेगमेंट एल वाई. तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं. ड्रॉ एन एक्यूट एंगल पी क्यू आर. ड्रॉ ऑल इट्स एल्टीट्यूड्स. नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्क्रेंस एस ओ. मीन्स यहाँ पे हमको एक एक्यूट एंगल बनाना है जिसका नाम है पी क्यू आर और उसके एल्टीट्यूड्स बनाने हमको तीनों एंगल के. तो स्टार्ट करते हैं. तो इसके लिए हमको फर्स्ट स्केल से एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा. तो हम अपने हिसाब से ही एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं. तो अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू एंड आर एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया है. तो हम लोग यहाँ से फर्स्ट क्या करेंगे, पी से उसका जो बेस है वहाँ पे एक आर्क मारेंगे. तो टू पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट करेगा. फिर जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगा उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पे रखना है और मोर देन हाफ लेना है. और नीचे एक आर्क मारना है जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं. हाँ, फिर दूसरा जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है वहाँ पे रखना है राउंडर का नोब और सेम आर्क नीचे की तरफ फिर से मारना है. फिर यहाँ पे जो दोनों ने जहाँ पे इंटरसेक्ट किया था उस पॉइंट को डार्क करना है और पॉइंट पी से उसको ज्वाइन कर देना है. तो ये हमारा एल्टीट्यूड हुआ. इस तरह से हमको एल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ता है. अभी हमने यहाँ से फर्स्ट पॉइंट पी से किया, पॉइंट क्यू से करेंगे और क्यू आर से करेंगे. तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेकेंड पॉइंट आर से. सेम एक आर उधर मारेंगे और एक अभी यहाँ पे बाहर की तरफ आग जा रहा है तो जाने देंगे और उस पी क्यू जो है उसको और आगे की तरफ हम बढ़ाएंगे स्केल से. उसको आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं लोग. तो यहाँ पे हमने उसको बढ़ा के दिखाया हुआ है. फिर सेम वही करना है, राउंडर लेना है जहाँ पे दोनों ने इंटरसेक्ट किया हुआ है पॉइंट पे वहाँ पे रखना है और मोर देन हाफ लेके नीचे की तरफ आर्क मारना है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आर्क मारा है हमने. सेम दूसरे इंटरसेक्शन पॉइंट पे रखना है और सेम आर्क मारना है. फिर उस दोनों ने जहाँ पे इंटरसेक्ट किया था उस आर्क पे उस पॉइंट को आर से ज्वाइन कर देना है. यहाँ पर हमने ज्वाइन करके दिखाया हुआ है. अब हम पॉइंट क्यू से सेम आर्क मारेंगे. ये भी बाहर की तरफ जा रहा है तो उसे बाहर जाने देंगे और उस पी आर को आगे की तरफ शिफ्ट कर देंगे. तो यहाँ स्केल से हम पी आर को और आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं कि हमारा जो आर्क है वो इंटरसेक्ट हो सके. तो वहाँ पे जो आर्क ने इंटरसेक्ट किया है उस पॉइंट पर हमको राउंडर का नोक रखना है और मोर देन हाफ लेके आर्क मारना है नीचे की तरफ. तो इस तरह से हम आर्क मारेंगे और दोनों ने जहाँ पे इंटरसेक्ट किया होगा उस पॉइंट को पॉइंट क्यू से ज्वाइन कर देंगे. तो यहाँ पे हमने ज्वाइन करके उसे दिखाया है, देख सकते हैं. तो सेम मेथड से यहाँ पे हमारा तीनों एल्टीट्यूड्स रेडी है. अब उस एल्टीट्यूड को वहाँ पे परपेंडिकुलर का साइन लगाना है. तो इस मेथड से हमको एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने हैं. पी क्यू आर फर्स्ट क्या करना है, पॉइंट पी से एल्टीट्यूड मारना है, सेकेंड क्यू से मारना है और लास्ट में आर से मारना है. यहाँ पे हमने तीनों ने जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है उस पॉइंट को ओ नाम ऐसा दिया हमने. क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं. ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एस टी वी. ड्रॉ इट्स मीडियंस एंड सो द सेंट्रॉइड. मीन्स यहाँ पे हमको एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है एस टी वी जिसका नाम रखना है और उसके मीडियंस बनाने. यहाँ पे इसके पहले हमने एल्टीट्यूड बनाया था, अभी हम मीडियम बनाएंगे. तो हम स्केल लेंगे और यहाँ से एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाएंगे. तो हमने इसका एक बेस तैयार किया है और यहाँ से हम चांदे की सहायता से यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करेंगे. ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 90 से ग्रेटर होता है. तो यहाँ पे हमने 1010 लिया है और यहाँ पे हमने एंगल को ड्रॉ किया है. सेम ये मेथड से आपको भी ड्रॉ करना है और इसका नाम देना है एस टी एंड वी. यहाँ पे हमें मीडियम ड्रॉ करना है. तो मीडियम ड्रॉ करने का रूल थोड़ा अलग है.
तो यहाँ पे हम फर्स्ट वी पे रखेंगे पॉइंट का नोक और मोर देन हाफ लेंगे, मीन्स यहाँ पे टीवी जो लाइन है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे फर्स्ट। तो वी पे रख के मोर देन हाफ लेंगे, ऊपर आर्क मारना है और एक नीचे मारना है, फिर टी पे रख के सेम वही आर्क ऊपर नीचे मारना है और दोनों आर्क ने जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है उसको स्केल से ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया है, ये हो गया हमारा टीवी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हमारे पास दो और बचे हैं, हम यहाँ पे एच टी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट एस पे रखेंगे राउंडर का नोक और मोर देन हाफ लेके एक आर्क ऊपर की तरफ मारेंगे और एक आर्क नीचे की तरफ, और सिर्फ नेक्स्ट में हम पॉइंट टी पे रखेंगे और एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, फिर दोनों ने जहां पे इंटरसेक्ट किया है आर्क दोनों को स्केल से ज्वाइन कर देंगे। एंड लास्ट पार्ट में हम एस वी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो हम एस पे राउंडर का नोक रखेंगे और मोर देन हाफ लेंगे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर हम वी पे रखेंगे राउंडर का नोक और एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, फिर दोनों आर्क ने जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है दोनों को स्केल से जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम किस तरह से उसे ज्वाइन कर रहे हैं, इसी मेथड से आपको भी ज्वाइन करना है। अब यहाँ देख सकते हैं कि तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट से होके जा रहे हैं और वो ये पॉइंट हमारा सेंट्रॉइड है। तो इस मेथड से हम मीडियंस ड्रॉ करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल का। ये जो मिड पॉइंट है उसमें तीनों मिड पॉइंट्स को हम नाम देंगे, पहले को हमने एम दिया, फिर एस टी का जो मिड पॉइंट है उसको एन नाम दिया और एस वी का जो मिड पॉइंट है उससे हमने एल नाम दिया है। अब ये तीनों मिड पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे आपस में, वी से हमने एन को ज्वाइन किया और एस से हमको एम में ज्वाइन करेंगे। फाइनली हम एल को टी से ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे तीनों जो मिड पॉइंट्स है वो एक पॉइंट से होके जाते हैं, उसको नाम हम जी देंगे। तो यहाँ पे हमारा मीडियंस कंप्लीट होता है। तो इसी मेथड से हमको मीडियंस ड्रॉ करने हैं। अभी मीडियम से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी मेथड से सॉल्व करने हैं हमको, इसलिए हमने मीडियम का केवल एक ही क्वेश्चन लिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एलिमेंट, ड्रॉ इट्स एल्टीट्यूड्स एंड डिनोट द ऑर्थो सेंटर बाय ओ। अब यहाँ पे हमको एक ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ पर भी बनाना है एलिमेंट और उसका एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है यहाँ पे। इसके पहले हमने मीडियंस ड्रॉ किया था, अब हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। एल्टीट्यूड्स का भी हमने क्वेश्चन पहले भी लिया हुआ है लेकिन हमने एक्यूट एंगल के लिया था, अब यहाँ पे हम ऑब्ट्यूज के लिए लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ किया एलिमेंट। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग में फिर तीनों पॉइंट्स पे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट एन से स्टार्ट करते हैं, तो एन के बाद एल लेंगे, फिर एम लेंगे। तो एल एम से अगर स्टार्ट करते हैं तो एल एम को हम दो आर्क में डिवाइड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एम से, एक आर्क साइड जाएंगे तो दूसरा लेफ्ट साइड में जाएगा और दोनों ने जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है उस पॉइंट का राउंडर रख के हम एक ड्रॉ कर देंगे। ये ऑलरेडी हमने पहले सीखा है। फिर हम एल से करेंगे, तो आप देख सकते हैं एल से करेंगे तो लाइन को हमको और आगे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। एक यहाँ पे आर्क मारा हमने लेफ्ट साइड में गया, तो इस लाइन को हम एम एन को हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो एल से हम आर्क मारेंगे एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, दोनों आर्क पे राउंडर का नोक रखे मोर देन हाफ लेके
नीचे की तरफ आ जाएंगे। फिर उसे हम ज्वाइंट कर देंगे एल से। तो ये हमारा इसका एल्टीट्यूड हुआ। एल्टीट्यूड जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाता है। और जो एम से जो एल्टीट्यूड दिया है उसको हम नीचे की तरफ बढ़ाएंगे। अब हमारा लास्ट जो पार्ट है एन, जो एन से हमको ड्रॉ करना है, तो सेम ये मेथड से हम जो एल एम है उसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे और उसके ऊपर दो आर्क मारेंगे। एक राइट साइड तो एक लेफ्ट साइड। फिर आउटर का नोक रखें मोर देन हाफ, एक आर्क नीचे और दूसरे साइड से भी रखें सेम आर्क। फिर दोनों आर्क में जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है उस पॉइंट को हम एन से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा पॉइंट मिला, अभी से हम इसे ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट एन से हमारा एल्टीट्यूड, तो ये तीनों एल्टीट्यूड एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, वो हमारा पॉइंट ओ है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। हमें यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। पॉइंट जी इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ लेंथ ऑफ आर जी इज इक्वल टू 2.5 देन फाइंड लेंथ ऑफ सी जी। यहाँ पे हमको लेंथ ऑफ सी जी फाइंड आउट करना है। सेकेंड है, इफ लेंथ ऑफ बी जी इज इक्वल टू 6 देन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ बी क्यू। एंड थर्ड वन है, इफ लेंथ ऑफ ए पी इज इक्वल टू 6 देन फाइंड आउट लेंथ ऑफ ए जी एंड लेंथ ऑफ जी पी। यहाँ पे दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी। तो यहाँ पे हमें तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखते हैं। द सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। मीन्स जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो फर्स्ट है लेंथ ऑफ सी जी अपॉन लेंथ ऑफ जी आर इज इक्वल टू 2:1। लेंथ ऑफ सी जी अपॉन जी आर का जो वैल्यू हमारा 2.5 है इज इक्वल टू 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ ऑफ सी जी इज इक्वल टू 5। सेकेंड पार्ट में आते हैं, लेंथ ऑफ बी जी अपॉन लेंथ ऑफ जी क्यू इज इक्वल टू 2:1। अब यहाँ पे बी जी का जो वैल्यू है वो 6 है, तो 6 अपॉन जी क्यू इज इक्वल टू 2:1। तो यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ ऑफ जी क्यू इज इक्वल टू 6:2 इज इक्वल टू 3। तो फाइनली हमको लेंथ ऑफ बी क्यू फाइंड आउट करना था, तो हम उसको ऐड करेंगे। तो लेंथ ऑफ बी जी प्लस लेंथ ऑफ जी क्यू दोनों को ऐड करने पे लेंथ ऑफ बी क्यू आता है, तो 6+3 इज इक्वल टू 9। थर्ड पार्ट पे आते हैं, लेंथ ऑफ ए जी अपॉन लेंथ ऑफ जी पी इज इक्वल टू 2:1। तो यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ ऑफ ए जी इज इक्वल टू 2 × लेंथ ऑफ जी पी। तो लेंथ ऑफ जी पी इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे हम जी पी को जो एक्स कंसिडर करते हैं, तो लेंथ ऑफ ए क्यू क्या, ए जी क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ ए जी प्लस लेंथ ऑफ जी पी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए पी। तो एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 6, क्योंकि ए जी का जो वैल्यू है हमारा वो 2x है और जी पी का जो वैल्यू हमारा x है। तो x प्लस 2x इक्वल टू 6, क्योंकि ए पी हमारा 6 दिया हुआ है। दोनों को जब ऐड करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 6 देन x इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2। देन लेंथ ऑफ जी पी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 2, मीन्स लेंथ ऑफ ए जी इज इक्वल टू 2x, 2 × 2 इज इक्वल टू 4। तो लेंथ ऑफ ए जी इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है।